हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट में। आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक है जुडिशियल एक्टिविज़म, या फिर हम जिसे जुडिशियल ओवररीच भी कहते हैं। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि जुडिशियल एक्टिविज़म जो है दुनिया भर में और हिंदुस्तान में किस तरीके से काम कर रहा है, इसके पॉजिटिव्स और इसके नेगेटिव्स क्या है, और ख़ासकर जब हम सेपरेशन ऑफ पावर्स की बात करते हैं तो कितना इफेक्टिव या फिर कितना नेगेटिव है जुडिशियल एक्टिविज़म। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले चीज़, वी शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज़ जुडिशियल एक्टिविज़म। जुडिशियल एक्टिविज़म होता क्या है? देखिए, जुडिशियल रूलिंग्स दैट आर सस्पेक्टेड ऑफ बीइंग बेस्ड ऑन पर्सनल ओपिनियंस रादर देन ऑन एग्जिस्टिंग लॉस, इट इज़ समटाइम्स यूज्ड एज एंटोनिम ऑफ जुडिशियल रिस्ट्रेंट। यानी कि अगर मान लेते हैं कि एक जज हैं तो उनके आगे जो है एक केस आता है, रादर देन गोइंग बाय द लॉ, गोइंग बाय द स्टैट्यूट, जज जो है वो अपने पर्सनल ओपिनियंस के तहत जजमेंट देते हैं। यानी कि जज जो है लॉ या फिर लेजिस्लेशन जो बनाया गया है, कानून बनाया गया है उस कंट्री का, उसे दरकिनार करके वो अपने इमोशंस या फिर वो अपने पर्सनल ओपिनियंस के तहत जो है जजमेंट देते हैं। कुछ इस तरीके के कॉन्सेप्ट को जुडिशियल एक्टिविज़म या जुडिशियल ओवररीच कहा जाता है। समटाइम्स इसे जो है जुडिशियल रिस्ट्रेंट को एक एंटोनिम की तरह भी, यानी कि एक ऑपोजिट वर्ड की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है। द डेफिनेशन ऑफ जुडिशियल एक्टिविज़म एंड द स्पेसिफिक डिसीजंस दैट आर एक्टिविस्ट आर कॉन्ट्रोवर्शियल पॉलिटिकल इशूज। बिल्कुल, द क्वेश्चन ऑफ जुडिशियल एक्टिविज़म इज क्लोजली रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन, स्टैट्यूटरी कंस्ट्रक्शन एंड सेपरेशन ऑफ पावर्स। तो जब हम बात महज जुडिशियल एक्टिविज़म की करते हैं तो वो बात महज जुडिशियल एक्टिविज़म या फिर किसी एक स्पेसिफिक चीज़ की नहीं है, वो कॉन्स्टिट्यूशन इंटरप्रिटेशन के बारे में होती है, वो स्टैट्यूटरी कंस्ट्रक्शंस के बारे में होती है, और सबसे बढ़कर जो मॉन्टेस्क्यू ने कहा था, सेपरेशन ऑफ पावर्स, यानी कि एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी और लेजिस्लेटिव के अलग अलग जो पावर्स होते हैं, तो इन सेपरेशन ऑफ पावर्स के जो डॉक्ट्रिन है उसके खिलाफ जाता है जुडिशियल एक्टिविज़म। अकॉर्डिंग टू बराक ओबामा, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट थे, An activist judge was someone who ignored the will of Congress, ignored the democratic processes, and tried to impose judicial solutions on problems instead of letting the process work for itself. भाई, हमारे पास ऑलरेडी जुडिशियल, हमारे पास ऑलरेडी लेजिस्लेटिव एक मशीनरी है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, देर इज़ लेजिस्लेचर, देर आर पीपल हु इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स, देर आर पीपल हु सेंड रिप्रेजेंटेटिव्स, हम सभी हैं लॉ बनाने के लिए। जुडिशियरी जो है वो लॉ एडजुडिकेट करता है, लॉ बनाता नहीं है। तो मिस्टर बराक ओबामा ने भी यही बहुत खूबसूरत सी चीज़ कही थी कि जुडिशियल एक्टिविस्ट या फिर एक एक्टिविस्ट जज वो है जो दरकिनार करता है डेमोक्रेटिक प्रोसेस को, जो दरकिनार करता है कांग्रेस यानी कि वहाँ के पार्लियामेंट के विल को, और फिर कहीं ना कहीं सेपरेशन ऑफ पावर्स के डॉक्ट्रिन के खिलाफ जाता है। तो ये थी जुडिशियल एक्टिविज़म की डेफिनेशन। तो आइए जानते हैं कि हिंदुस्तान में जुडिशियल एक्टिविज़म कहाँ तक है, या फिर हिंदुस्तान में जुडिशियल एक्टिविज़म का स्कोप कहाँ तक है। द सुप्रीम कोर्ट इज़ द हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। बिल्कुल, हिंदुस्तान में इंटीग्रेटेड जुडिशियरी है, इंटरडिपेंडेंट जुडिशियरी है, और सुप्रीम कोर्ट स्टैंड्स एट द टॉप ऑफ द हायरार्की। तो सुप्रीम कोर्ट इज़ हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट एंड एक्ट्स एज द गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया हैज़ एन इंटीग्रेटेड एंड एट इंडिपेंडेंट जुडिशियरी। इंटरडिपेंडेंट मैंने इसलिए कहा क्योंकि देर इज़ अ स्पेसिफिक प्रोसेस थ्रू विच केसेस मूव, यानी कि पहले सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट्स, तो इस तरीके से कहीं ना कहीं ये है तो इंडिपेंडेंट, लेकिन विद इन इट सेल्फ इट इज़ इंटरडिपेंडेंट। तो इंटीग्रेटेड और इंटरडिपेंडेंट जुडिशियरी है, और वहाँ पर टॉप पर है सुप्रीम कोर्ट विच एक्ट्स एज गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सिंस इंडिपेंडेंट द जुडिशियरी हैज़ प्लेड अ वेरी एक्टिव रोल इन डिस्पेंसिंग जस्टिस। सिंस द AK गोपालन वर्सेज स्टेट ऑफ मद्रास केस 1950, फॉलोड बाई शंकरी प्रसाद केस, एक्सेट्रा। तो ऐसे कई लैंडमार्क जजमेंट्स आए हैं जहाँ पर ईच एंड एवरी टाइम वेन एवर नेसेसरी हिंदुस्तानी जुडिशियरी ने, खासकर सुप्रीम कोर्ट ने, यह कहा है कि वी आर देयर टू प्रोटेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन, वी आर द फाइनल इंटरप्रिटेटर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आपने केशवानंद भारती केस भी सुना होगा, आपने LIC ऑफ इंडिया केस, ये ऐसे कई जो है लैंडमार्क केसेस हैं जिसमें जुडिशियल एक्टिविज़म देखी गई। हाउएवर द जुडिशियरी रिमेंड सबमिसिव अंटिल 1960s, यानी कि जुडिशियरी जो है वो सबमिसिव था लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जुडिशियरी जो था वो इंडिपेंडेंटली काम कर रहा था विदाउट इंटरफियरिंग इन लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव अंटिल 1960s। बट इट्स असर्टिवनेस स्टार्टेड इन 1973 व्हेन अलाहाबाद हाईकोर्ट रिजेक्टेड द कैंडिडेचर ऑफ इंदिरा गांधी जी। द इंट्रोडक्शन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बाय जस्टिस VR कृष्णन अय्यर फर्दर एक्सपेंडेड द स्कोप। 1973 तक जो है कहीं ना कहीं जुडिशरी वो सबमिसिव था, वो ओवररीच नहीं कर रहा था। जजेस को पता था कि कहाँ तक जजमेंट्स देने हैं, हमारा
काम कहाँ तक है, हम एडजुडिकेट कर सकते हैं लॉ को, हम लॉ को बना नहीं सकते। लेकिन 1973 में जब इंदिरा गांधी जी के कैंडिडेचर को जो है वो खारिज किया गया था इलाहाबाद हाई कोर्ट में, तो वहाँ से जो है एक प्रथा या फिर वहाँ से जो है एक कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ जहाँ पर जुडिशियल ओवररीच हमें हिंदुस्तान में देखने को मिली। और बाद में जो है जस्टिस वी आर कृष्णन अय्यर जिन्होंने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन या फिर PIL का जो एक कॉन्सेप्ट दिया, PN भागवती बी जी जो थे वो बहुत ही इन्फ्लुएंशियल थे इस कंसर्न को लेकर। तो PIL के आने के बाद इस जुडिशियल एक्टिविज़म का या फिर इस जुडिशियल ओवररीच का स्कोप जो है वो हद से ज़्यादा बढ़ गया है। PIL इज़ अ न्यू चार्म, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है एक नया टूल की तरह बन गया है जुडिशियल एक्टिविज़म के लिए हिंदुस्तान में। इंडिया हैज़ रीसेंट हिस्ट्री ऑफ जुडिशियल एक्टिविज़म ओरिजिनेटिंग आफ्टर द इमरजेंसी इन इंडिया विच सॉ अटेम्प्ट्स बाय गवर्नमेंट टू कंट्रोल द जुडिशियरी। बिल्कुल पोस्ट 1973 हमने देखा कि PIL का एक कॉन्सेप्ट आ गया और फिर एक बहुत ही जो है एक रेवोल्यूशन या फिर एक विप्लव आ गया जुडिशियरी में। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वॉज थस एन इंस्ट्रूमेंट डिवाइज्ड बाई कोर्ट्स टू रीच आउट डायरेक्टली टू द पब्लिक एंड टेक कॉग्निजेंस थ्रू द लिटिगेंट्स मे नॉट बी द विक्टिम। सो मोटो कॉग्निजेंस अलाउ द कोर्ट टू टेक अप सच केसेस ऑन इट्स ओन। तो PIL का कॉन्सेप्ट एक फ्रीडम देता है जुडिशियरी को कि वो सो मोटो कॉग्निजेंस यानी कि ऑन इट्स ओन इनिशिएटिव, ज़रूरत नहीं है कि विक्टिम ही आकर रिक्वेस्ट दे या फिर विक्टिम के लिए कोई और आकर एक अर्जी दाखिल करे। सुप्रीम कोर्ट जो है वो खुद या फिर कोई भी कोर्ट जो है वो खुद एक इनिशिएटिव ले सकता है किसी चीज़ के बारे में जजमेंट देने के लिए या फिर किसी चीज़ के बारे में गाइडलाइंस देने के लिए। द ट्रेंड हैज़ बीन सपोर्टेड एज वेल एज क्रिटिसाइज। तो ये ट्रेंड कई बार सपोर्ट किया गया, कई बार क्रिटिसाइज भी किया गया। फॉर एग्जाम्पल मिड डे मील्स का जो स्कीम था वो भी एक PIL का ही आउटकम था। तो ये बहुत ही अच्छा एक कॉन्सेप्ट था, एक बहुत ही फिनोमिनल सक्सेस था। लेकिन कई बार जो है कई सिटीजन्स ने या फिर कई एक्सपर्ट ने वो क्रिटिसाइज भी किया कि भाई लॉ मेकिंग में जो है आप क्यों जा रहे हैं, आपका काम जो है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लेजिस्लेचर या फिर लॉस को जो है एडजुडिकेट करना है, आप जाकर सरकार को गाइडलाइंस नहीं दे सकते। तो इस तरीके के भी क्रिटिसिज्म इस पर आए। ऑल सच रूलिंग्स कैरी द फोर्स ऑफ आर्टिकल 39A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ऑल्दो बिफोर एंड ड्यूरिंग एमरजेंसी द जुडिशियरी डिसिस्टेड फ्रॉम वाइड एंड एलेस्टिक इंटरप्रिटेशंस बिकॉज डायरेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर नॉन जस्टिसबल। डायरेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है वो नॉन जस्टिसबल है, यानी कि कोई भी एक अग्रीगेटेड या फिर कोई भी एक अग्रीव्ड पार्टी जो है वो कोर्ट नहीं जा सकता इन्हें पूरा करवाने के लिए। तो इसके तहत जो है सुप्रीम कोर्ट ने एक पावर ले लिया अपने हाथ में अंडर आर्टिकल 39A कि भाई वी आर गोइंग टू गिव यू गाइडलाइंस। तो कहीं ना कहीं ये क्लैश का भी एक जरिया बन रहा है फॉर द गवर्नमेंट ऑफ द डे एंड जुडिशियरी। डिस्पाइट द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फॉर जुडिशियल रिव्यू आर्टिकल 32 जिसकी हम बात करते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज एंड बी आर अम्बेडकर आर्ग्यूइंग इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स दैट जुडिशियल रिव्यू पर्टिकुलरली विद जुरिसडिक्शन कुड प्रोवाइड क्विक रिलीफ एंड अगेंस्ट अब्रिजमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड ऑट टू बी एट द हार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो कितनी खूबसूरत सी बात देखिए कही है कि आर्टिकल 32 जो कि फंडामेंटल राइट है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो है वो हार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, ये बाबा साहब ने कहा। कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव नोट पर जो है जुडिशियल एक्टिविज़म इसी थॉट प्रोसेस को सपोर्ट करता है कि भाई जब सरकार या फिर कोई और सुन नहीं रहा है लोगों की तो सुप्रीम कोर्ट सुनेगा या फिर जुडिशियरी सुनेगी बिकॉज आर्टिकल 32 द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इज हार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ जुडिशियल ओवररीच या फिर जुडिशियल एक्टिविज़म हिंदुस्तान में, अभी हमने कहा कि देर हैज़ बीन अ रीसेंट मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ जुडिशियल एक्टिविज़म। तो वॉट आर दे? Fundamental rights as enshrined in constitution have been subject to wide review, बिल्कुल, and have now been said to encompass a right to privacy, right to livelihood and right to education among others. तो fundamental rights में जो है explicitly हमें हर चीज़ नहीं दी गई, तो in due course of times Supreme Court ने जो अलग अलग cases उसके आ गया है उसे लेकर interpret किया fundamental rights को, कहा कि right to privacy is also fundamental right, पुट्टास्वामी केस का जजमेंट आप ले सकते हैं, राइट टू लाइवलीहुड कहीं ना कहीं मनरेगा या फिर नेशनल रूरल लाइवलीहुड स्कीम जो है इसी से रिलेटेड है, राइट टू एजुकेशन जब हम सर्वशिक्षा अभियान की बात करते हैं RTE 2010 की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं राइट टू एजुकेशन भी इसी स्कोप के नीचे था। तो ये भी कहीं ना कहीं जुडिशियल एक्टिविज़म का ही एक इनडायरेक्ट प्रोडक्ट था। The basic structure doctrine of constitution has been mandated by Supreme Court not to be alterable, notwithstanding the power of legislation under Article 368. तो वो basic structure doctrine ही था जिसके तहत judiciary ने जो है खासकर Supreme Court ने जो है constitution को बचाने का जिम्मा अपने कंधों पर लिया।
कई बार जब सरकारों ने इन्हें इस बेसिक स्ट्रक्चर को, जैसा कि पार्लियामेंटरी सिस्टम, सेक्युलरिज्म या फिर ऐसे कई कॉन्सेप्ट्स को अल्टर करने की कोशिश की, तो सुप्रीम कोर्ट वॉज देयर स्टैंडिंग देयर सेइंग दैट दिस ग्रॉसली गोस अगेंस्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, कि ये चंद बेसिक स्ट्रक्चर हैं जिस पर हिंदुस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है, एंड यू कैन नॉट आल्टर दैट बेसिक स्ट्रक्चर विद प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 368 यानी के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पावर। द ऑर्डर ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट टू कन्वर्ट ऑटो रिक्शाज टू CNG, हाल ही में अगर आपने देखा हो तो BS4 से BS6 को जो है डायरेक्टली जंप करवा दिया गया, BS5 स्टैंडर्ड को जो है वो कहीं ना कहीं इग्नोर किया गया या फिर एक बहुत ही हाई जंप लिया गया। तो ये भी एक कहीं ना कहीं जुडिशियल एक्टिविज्म का भी एक प्रोडक्ट है। अ मूव बिलीव टू हैव रिड्यूस दिल्लीज अर्स्टवाइल अक्यूट स्मोक पॉपुलेशन, तो ये इसके भी पॉजिटिवनेस है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के इस रूलिंग की वजह से हिंदुस्तान भर में जो है सरकार ने अपने मोटर व्हीकल एक्ट को अमेंड किया और BS4 व्हीकल्स को जो है BS6 स्टैंडर्ड में बदलाया। तो इस तरीके से देर आर प्रोज एज वेल एज कॉन्स वेन वी स्पीक अबाउट जुडिशियल एक्टिविज्म। तो ये थी चंद बातें आपको जाननी थी जुडिशियल एक्टिविज़म के बारे में, हिंदुस्तान में जुडिशियल एक्टिविज़म के बारे में, दुनिया भर में जुडिशियल एक्टिविज़म किस तरीके से काम करता है और इसका डेफिनेशन क्या है। आई होप कि आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अंटिल देन स्टे हेल्थी, स्टे सेफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।